नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम। 30 जुलाई को एक बहुत ही खास शख्स का बर्थडे है। ये शख्स मेरे दोस्त भी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर भी है, सिंगर होने के साथ साथ कमाल के एक्टर है, कंपोजर है, होस्ट भी है और रियलिटी शोज के जज भी। अब इतने सारे टैलेंट्स का ये पावर हाउस कौन है? द मल्टी टैलेंटेड, अब सबके और मेरे भी फेवरेट सोनू निगम। आज हम उन्हें बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहते हुए अपना ये शो डेडिकेट करेंगे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सोनू फ्रॉम बिग एफएम एंड हैशटैग सलीम। फ्रेंड्स, आज हैशटैग सलीम पर सोनू निगम के गाने होंगे और होंगी सोनू निगम की ही म्यूजिकल स्टोरीज। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं द सोनू निगम स्पेशल ट्रेलर। आज सबसे पहले बताऊंगा कि सोनू निगम को बचपन में बम्पर लॉटरी टिकट क्यों बोलते थे, और जब उनकी मदर 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब उनकी मदर ने लता मंगेशकर को देखकर क्या मांगा। फिर बताऊंगा सोनू को किस गाने ने इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया और उस गाने में द सिंगिंग सेंसेशन एंड द डांसिंग स्टार माइकल जैक्सन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। सोनू निगम किस गाने की रिकॉर्डिंग में ये प्रे कर रहे थे कि कुमार शानू स्टूडियो ना आए, बट शानू स्टूडियो आ गए और फिर क्या हुआ। साथ ही एक किस्सा ये भी सुनाऊंगा कि जब सतरंगी रे गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तब सोनू रिकॉर्डिंग में क्यों अटक गए और अटकने के बाद कैसे निकले। आज आपको ये भी पता चलेगा कि किस टॉप के डायरेक्टर ने 1.5 महीने वेट किया सोनू निगम से गाना गवाने के लिए, कौन सा था ये गाना और कैसे हुई इसकी रिकॉर्डिंग। सोनू निगम के पॉपुलर नॉन फिल्मी सॉन्ग बिजुरिया की म्यूजिकल स्टोरी। तो स्विच ऑन कर लीजिए अपना म्यूजिकल मोड और एंजॉय कीजिए हैशटैग सलीम। सबसे पहले सोनू निगम के बर्थ और बचपन के कुछ अनसुने किस्से बताता हूं। 30 जुलाई 1973 को सोनू का जन्म फरीदाबाद में हुआ। सोनू जब अपनी मदर शोभा अगम जी के पेट में थे और करीब 8 महीने के थे तब अचानक टीवी पर उनकी मदर ने लता जी का एक प्रोग्राम देखना शुरू किया। उस प्रोग्राम को देखते देखते वो सोचने लगी कि वो माँ कितनी खुश नसीब होगी जिसने लता जी जैसे कलाकार को जन्म दिया। कितना बड़ा नाम है इनका, कितनी बड़ी शख्सियत है उनकी, काश ऐसा बच्चा मेरे घर में भी पैदा हो जाए। देखिए उस वक्त उनकी मदर की जुबान पर माँ सरस्वती बैठी हुई थी और उन्होंने जो कहा वो सच हो गया। फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल यानी बादशाह खान हॉस्पिटल में सोनू का जन्म हुआ और वो आगे चलकर बने हिंदी फिल्म म्यूजिक के बादशाह। सोनू के फादर अगम कुमार निगम खुद भी सिंगर थे और फिल्मों में प्लेबैक का स्ट्रगल करने के लिए मुंबई आया करते थे। उनके बचपन की एक और कमाल की स्टोरी सोनू के फादर से ही सुनते हैं, सुनिए। ये 83 की बात है, मैं हम लोग दिल्ली बेस्ड थे, मगर मैं कभी कभी स्ट्रगल के लिए आता था वहां से पैसा कमा के। तो उन दोनों कुछ पैसा खत्म हो रहा था तो मैं कुछ लॉटरी की टिकट लेने लगा। एक दोस्तों में, एक हमारे ज्ञानी जी थे कोई एस्ट्रोलॉजर, उनसे मेरी दोस्ती हो गई तो उनको मैंने घर पे चाय के लिए बुलाया। मैं कहा ज्ञानी जी कुछ आप बताइए, कुछ लॉटरी निकल जाए तो एक साल और बॉम्बे में टिक के थोड़ा स्ट्रगल कर लूं, सिंगर बन जाऊं। देखा उन्होंने मेरा हाथ वगैरह, कहते हैं सर आपकी लॉटरी कभी नहीं निकलेगी। और मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, कहते आप खरीदना ही नहीं कभी टिकट। और सामने सोनू बैठे थे, वो ज्ञानी जी को पता नहीं था ये लड़का कौन है, गाता है नहीं गाता, वो देखते रहे उसको। फिर मुझे बोलते हैं निगम साहब आपके पास बम्पर लॉटरी है। मैंने कहा मतलब? तो कहता ये जो लड़का बैठा है आपका बेटा, कहता ये आपका बम्पर ड्रॉ है। तो मैंने कहा कैसे? कहते इसको एक बार बड़ा हो जाने दो, ये आपकी बम्पर लॉटरी बनेगा। और वैसा हुआ और द रेस्ट इज हिस्ट्री। सुनिए सोनू निगम की शुरुआत की जर्नी खुद सोनू से। बिना एक क्लियर में 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद में हम लोग बॉम्बे आए और तब पापा ने मुझे जगह दिखाई, यहाँ उषा खन्ना जी रहती हैं, यहाँ अनु मलिक हैं, यहाँ सचिन जी हैं। किसी ने प्यार दिया, किसी ने दुत्कार दिया, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि मैं आज ये जानता हूँ कि हमने इतने नीचे लेवल से शुरू किया है कि कितना भी मैं गिर जाऊँ आई विल ऑलवेज बी ओवर व्हाट आई स्टार्टेड फ्रॉम। वाह, व्हाट अ ट्रू आर्टिस्ट। हम सबका एक फेवरेट सोनू सॉन्ग है जो सुनते ही आंखें नम हो जाती है, ऑलमोस्ट हर बार वो लूप पर ही चलता है, अभी मुझ में कहीं। ये गाना मेरा सबसे पसंदीदा गाना है। सोनू निगम ने वाकई में इस गाने को बहुत ही बेहतरीन गाया है। अजय अतुल ने क्या कमाल का कंपोज किया इस गाने को। मेरे साथ में है मेरे अजीज दोस्त और इस गाने के लिरिसिस्ट जो खुद एक सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर भी है, अमिताभ भट्टाचार्य।
वेलकम अमिताभ. तो मुझे आपसे बात करनी थी अबाउट दिस सॉन्ग. तो कैसे सोनू ने इसको गाया और कैसे वो अप्रोच करते गाने को? आई रिमेम्बर मैं था उनकी डबिंग के वक्त, जब ये डबिंग हुआ था गाने का. सो ये तो इस बात के मतलब कोई शक नहीं है कि वॉचिंग सोनू परफॉर्म ऑन द माइक्रोफोन सिंगिंग इन द स्टूडियो, वो अपने आप में, अगर आप सिंगर्स की बात करें तो उनके लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वोकल लेसन, इट्स अ मास्टर क्लास जैसा है. अगर आप उनको ऑब्जर्व करें गाते हुए, एक सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी मुझे कि जो कहना लीजिए आजकल के सिंगर में थोड़ा कम मिलता है कि जो जबान है उससे मतलब काफी उनका तारुफ अच्छा है. सो ड्राफ्ट उनको जब हाथ में दिया गया उसके बाद मुझे कहीं भी उनको कुछ बताना नहीं पड़ा कि सुनो जी यहाँ पे नुकता है, यहाँ पे बिंदी है, यहाँ पे थोड़ा ठहराव है, इस लफ्ज को इस तरीके से खींचना है. सब कुछ खुद ही उन्होंने अपने आप ही तैयार किया, अपने आप ही उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया. कुछ गाने बनने होते हैं, तो इस गीत को बनना था, वो कब धुन बनी, मैंने सुना, मुझे कैसे ख्याल आए, अपने आप दे फेल टू प्लेस एंड सोनू केम टू द पिक्चर, उन्होंने गाया है. मतलब अभी सोचता हूँ मुझे कभी कभी लगता है हाउ इट हैपेंड, बट इट वाज जस्ट मेंट टू हैपन, आई गेस दैट्स हाउ. I'm very happy that I have you today to talk about Sonu Nigam on his birthday and बहुत-बहुत शुक्रिया. और मेरी तरफ से सोनू जी को बहुत-बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ. Absolutely, absolutely, Amitabh. Thank you so much for joining us on hashtag Saleem on Big FM. Thank you. My pleasure, sir. Thank you so much. परदेस के गाने को गाने में सोनू को माइकल जैक्सन ने कैसे हेल्प किया ये आज मैं आपको बताता हूँ. इस गाने में सोनू जब ये लाइन गाते हैं दीवाने ने मुझको भी, इसके बाद वो एक साउंड निकालते हैं. ये उन्होंने कॉपी की है माइकल जैक्सन के एक सॉन्ग से, जो सोनू खुद बताते हैं. जी मैंने माइकल जैक्सन से सीखा था. Your parents, ma'am. Da 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 आप में से जिसने सोनू निगम का लाइव कॉन्सर्ट देखा है, ओ माई गॉड, ही इज अ लाइव रॉकेट. परफॉर्मेंस, परफेक्शन, एक्सप्रेशन, जिस तरह से अपने आप को स्टेज पे वो प्रेजेंट करते हैं, उनकी सिंगिंग का कंट्रोल, उनके परफॉर्मेंस में जो कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं लगता है कि इस देश में ऐसा कोई भी सिंगर हो जो सोनू निगम जैसा परफॉर्म कर सकता है. और जितना वो हमारा दिल बहलाते हैं अपनी गायकी से, उतना ही हमें हंसाते हैं. ही इज सो स्पॉन्टेनियस विद हिज कॉमेडी एक्ट्स, रियली. मैंने सोनू निगम के कुछ क्लिप्स देखे हैं यूट्यूब पे और एक लाइव कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस भी किया है, पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर एक बार उनका कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस करूं. एंड आई होप दैट इट हैपेंस सून. और अब बात एक ऐसे गाने की जिसकी रिकॉर्डिंग में सोनू प्रे कर रहे थे कि कुमार सानू स्टूडियो ना आए. 1942 अ लव स्टोरी का अवार्ड विनिंग सॉन्ग आपको याद होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. जी हाँ, जब इस गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी तब सोनू निगम भी स्टूडियो में मौजूद थे. सब लोग कुमार सानू का वेट कर रहे थे, मगर कुमार सानू स्टूडियो टाइम पर नहीं पहुंचे. वो इतने लेट हो गए कि प्रोड्यूसर विद्यू विनोद चोपड़ा उनसे बहुत नाराज हो गए. पंचम दा भी वेट कर रहे थे और उन्होंने पास बैठे सोनू की तरफ देखकर कहा कि अगर सानू नहीं आए तो ये गाना सोनू से गवा लेंगे. सोनू दिल ही दिल में प्रे कर रहे थे कि कुमार सानू नहीं आए, पर लेट ही सही, कुमार सानू आखिरकार स्टूडियो पहुंच गए और थोड़ा सॉरी वॉरी बोलकर वो गाना रिकॉर्ड कर दिया. बट दिस इज डेस्टिनी. एनीवे, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक गाने की रिकॉर्डिंग में सोनू फंस गए थे, फिर कैसे निकले उस प्रॉब्लम से ये सुनिए. फिल्म थी दिल से और म्यूजिक डायरेक्टर थे एआर रहमान और गाना था सतरंगी रे. इस गाने का फर्स्ट पार्ट तो सोनू ने आसानी से रिकॉर्ड कर दिया, बट लास्ट के पार्ट में जहां ये लाइंस आती है मुझे मौत की गोद में सोने दे, यहां आके सोनू थोड़े फंस गए. जैसा रहमान चाह रहे थे वैसी सिंगिंग और वो एक्सप्रेशन सोनू से नहीं हो पा रही थी. इस रिकॉर्डिंग को याद करते हुए सोनू कहते हैं कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था तब उनका रियाज इतना नहीं था, गला उतना पका हुआ नहीं था जो अब है. इसलिए जब बहुत सारे टेक के बाद भी उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने रिकॉर्डिंग से ब्रेक लिया और स्टूडियो के बाहर चले गए. बाहर जाकर उन्होंने अपने आप को तैयार किया, वो लाइनें रिहर्स की, थोड़ा रियाज किया और जब वो वापस स्टूडियो गए तो उनका टेक ओके हो गया. और इस गाने की रिलीज के बाद सोनू को बहुत सारे फोन्स आए, फराह खान, तब्बू और कई लोग जो फिल्म फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने उनकी तारीफ की. हिंदी सिनेमा के लाजवाब सिंगर सोनू निगम के लिए किस टॉप के डायरेक्टर ने किया 1.5 महीने वेट? मेरे साथ में है मेरा अजीज दोस्त
शंकर महादेवन फ्रॉम शंकर एहसान लॉय। ये दोनों एक्चुअली लॉय और निखिल अडवाणी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो दोनों बैठे थे जर्मन बेकरी, देयर यूज्ड टू बी देयर इज अ प्लेस कॉल्ड जर्मन बेकरी व्हिच इज इन पुणे, हमारे होटल के बगल में थी, तो वहां पर अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता था, वहां पर बैठे थे उन लोग सवेरे 7 बजे, इट वाज एन अर्ली मॉर्निंग, बैठे थे तभी लॉय के दिमाग में वो जो धुन है पता नहीं वो धुन आने लगा, तो बोला कि चलो चलो जल्दी वाइंड अप करो, मेरे मतलब मेरे मन में एक अच्छा धुन बज रहा है, तो हम लोग भागते हैं, तो यू नो दे केम रनिंग बैक टू द होटल, हम लोग बाजू में वो होटल ब्लू डायमंड में हम लोग रह रहे थे, वहां पर पूरा सेटअप था, तो वो धुन उसने फर्स्ट पार्ट उसने प्रोग्राम किया और ये गाना बन गया 10 मिनट में एकदम। क्या बात है यार। लेकिन उसके बाद जब हमने वो धुन सुना ना, कि हमने बोला यार ये कुछ, दिस इज अ स्पेशल ट्यून, इट्स नॉट सम ग्रेट ट्यून और एनीथिंग, दिस समथिंग स्पेशल, जाके कहीं ना कहीं कुछ जाके कहीं कुछ छू जाता है। क्या बात है, वाओ। फिर उसके बाद जावेद साहब उठ के आए, ही केम टू द रूम एट अबाउट 9 o'clock, जब वो आए ब्रेकफास्ट करने के बाद, जब आके उन्होंने धुन सुना, इसे फिर से बजाओ 2-3 बार, और फिर उनका ये रिएक्शन था कि ये गाना सुन के मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तो मैं बोला कि क्यों सर, क्यों पछड़ने लगा आपको डर? नहीं, बोलते ये गाना इज अ वेरी ऑनेस्ट सॉन्ग। अभी देखिए उनका एनालिसिस देखिए कितना सही है। सी इट इज अ वेरी ऑनेस्ट सॉन्ग, ये ऑनेस्टी है इस गाने में, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी है। क्या बात है। और मुझे डर ये लग रहा है कि मैं उस ऑनेस्टी को बिगाड़ नहीं देना चाहता, ओके? तो मुझे प्लीज ये धुन दीजिए, मुझे लिखने के लिए टाइम चाहिए, ये सिंपल धुन है और सिंसियर धुन है, और मेरे पोएट्री में भी मुझे कोई दिखावा नहीं करना है, मुझे कोई यू नो आई डोंट वांट टू शो माय पोएटिक जो एक्सेलेंस है वो कुछ मुझे बताना नहीं है इस गाने में, मुझे सिंसियर काम करना है, इसमें सिंसियरिटी चाहिए। एंड सलीम उन्होंने 25 दिन लिया ये गाना लिखने के लिए, 25 days, बट ये गाना तो 25 साल से भी ज्यादा चलने वाला है। नहीं, फिर बाद में उन्होंने सिर्फ सिंपल वर्ड्स में मुझे टेलीफोन में जब लिरिक्स रेडी हुआ, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल होना हो, बताया तो आई सेड माय गॉड दिस इज फैंटास्टिक। नाउ केम द डिस्कशन की गाएगा कौन, एंड बिलीव मी यूनानिमस डिसीजन बिटवीन ऑल ऑफ अस वाज ओनली वन वॉइस, and that is the voice of this country, that is Sonu Nigam, because you know, really feel that nobody could have done justice to the song like the way he's done it. Uske baad jab maine ye dhun Sonu ko bheja, I remember that day, wo bola ki wo dhun sunne ke baad main aur meri patni hum log dono milke sune, bolte ki hum log ne ye dhun sunne ke baad kam se kam 1 ghanta hum log dono roye, we just cried because of the, it was just उन्होंने ये गाना गाने के लिए एक्सेप्ट किया, उन्होंने आए, हम लोग, मैं जानता हूँ कि हम लोग कम से कम उसके लिए 1 महीना रुके रहे, करेक्ट, मुझे he was shooting his film Love in Nepal, he was shooting or something, so hum log ruk ke fir wo aake fir unhone dub kiya, and then you know that then the gana to aapke samne hai, ye gana rahega, and it is history for sure. Thank you so much Salim. No, and thank you Shankar for talking to us on #Salim. I'm so happy ki hamari वैसे यू नो कुछ म्यूजिकल बातें हो गई, कुछ बातें इस तरह की हो गई कि यू नो सम विच इज ग्रेट फॉर मी एंड फॉर द ऑडियंस, लोगों को पता करना लगाना था कि किस तरह से ये गाना कंसीव हुआ, कैसे बना और कैसे सोनू आके इसको गाए। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट, यस हैप्पी बर्थडे सोनू। तो ये थे शंकर महादेवन फ्रॉम शंकर एहसान लॉय, एंड ऑफकोर्स करण जौहर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, वो निखिल अडवाणी और शंकर एहसान लॉय ने 1.5 महीना वेट किया सोनू निगम के लिए। जब करण ने उनको फोन किया इस गाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि करण आई एम सॉरी, मैं 1.5 महीने के बाद आऊंगा, एंड करण जौहर सेड इट्स ओके आई विल वेट। फिल्म सॉन्ग्स के अलावा सोनू निगम ने डिवोशनल, रिलीजियस, फोक, हर म्यूजिकल रंग के गाने गाए हैं। उन्होंने 9 फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है और उनके बहुत से प्राइवेट एल्बम्स रिलीज हुए, और उन एल्बम में एक एल्बम ऐसा था जिसके सबसे पॉपुलर गाने का आइडिया खुद सोनू निगम का था। एल्बम का नाम था मौसम और गाना था बिजुरिया। जब इस एल्बम के गाने प्लान हो रहे थे, तब एक गाने पर सब अटक गए,
दो तीन दिन से सब सोच रहे थे कि क्या गाना बनाए। तभी सोनू के दिमाग में ये लाइन आई और उन्होंने सबसे कहा कि गाना कुछ ऐसा होना चाहिए, तुझे लागे ना नजरिया ओढ़ ले चुनरिया, और इसमें कुछ और ऐसे ही वर्ड्स होने चाहिए जैसे कि बदरिया, बजरिया, बिजुरिया। तो ये आइडिया और ये लाइंस सबको पसंद आई और फिर ये गाना बना। इस गाने की शूटिंग और पिक्चराइजेशन में भी सोनू का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। इस गाने के पिक्चराइजेशन की थीम भी सोनू का ही आइडिया था। डायरेक्टर को उन्होंने ही सजेस्ट किया कि इसका वीडियो कुछ डिफरेंट करते हैं, ये गाना जैसे आत्मा और भूत गा रहे हो वैसा होना चाहिए। इस आइडिया को बेस बनाकर इस गाने का स्क्रीन प्ले बनाया गया और रात के वक्त सुनसान हाईवे के खाली बंगले में भूत, आत्मा और एक लड़की के साथ इसे शूट किया। ये एल्बम एक्ट्रेस और सिंगर इला अरुण जी की बेटी इशिता अरुण का फर्स्ट म्यूजिक वीडियो भी था। ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ, पूरे एल्बम का द मोस्ट सक्सेसफुल सॉन्ग रहा और इस गाने के कंपोज होने से लेकर शूटिंग तक सोनू निगम का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। एज अ कंपोजर मैं तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, और मैं कहूंगा कि हम सब बहुत खुशनसीब है दैट सोनू निगम जैसा सिंगर अपनी आवाज से और अपने पर्सनैलिटी से इस दुनिया में इतनी खुशियां फैलाई है। We thank you, Sonu. Once again, belated happy birthday, Sonu, from Big FM and hashtag Saleem. आज के लिए बस इतना ही. Keep listening to hashtag Saleem. हम है राही प्यार के. फिर मिलेंगे. चलते चलते.